अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्रिकेट कंपेयर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आसफ अली और हैदर अली का T20 क्रिकेट में बैटिंग कंपैरिजन करेंगे। आपको जिस बल्लेबाज का बैटिंग रिकॉर्ड ज़्यादा पसंद आए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले हम इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हैदर अली सन 2000 को अटक में पैदा हुए, जबकि आसफ अली 1991 को फैसलाबाद में पैदा हुए। हैदर अली की उम्र 21 साल और हाइट है 6 फीट, जबकि आसफ अली की उम्र 30 साल और हाइट है 5 फीट 10 इंच। हैदर अली का वेट है 70 kg, जबकि आसफ अली का वेट है 72 kg। हैदर अली राइट हैंड बैट्समैन है, जबकि आसफ अली भी राइट हैंड बैट्समैन है। हैदर अली नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं, जबकि आसफ अली नंबर 6 पर बैटिंग करते हैं। T20 बैटिंग कंपैरिजन। हैदर अली ने 2020 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 डेब्यू किया, जबकि आसफ अली ने 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 डेब्यू किया। हैदर अली ने 15 T20 मैच खेले, जबकि आसफ अली ने 32 T20 मैच खेले। हैदर अली ने 14 बारी खेलकर 256 रन बनाए, जबकि आसफ अली ने 29 बारी खेलकर 396 रन बनाए। T20 क्रिकेट में हैदर अली की बैटिंग एवरेज है 19.69, जबकि आसफ अली की बैटिंग एवरेज है 18.86। हैदर अली का स्ट्राइक रेट है 131.96, जबकि आसफ अली का स्ट्राइक रेट है 133.43। T20 क्रिकेट में हैदर अली का बेहतरीन स्कोर है 66, जबकि आसफ अली का बेहतरीन स्कोर है 41। T20 क्रिकेट में हैदर अली ने 2 50 बनाई, जबकि आसफ अली ने 0 50 बनाई। हैदर अली ने 22 चौके लगाए, जबकि आसफ अली ने 16 चौके लगाए। हैदर अली ने 12 छक्के लगाए, जबकि आसफ अली ने 26 छक्के लगाए। T20 क्रिकेट में हैदर अली 1 बार नॉट आउट, जबकि 0 बार डक पर आउट हुए। आसफ अली 8 बार नॉट आउट, जबकि 1 बार डक पर आउट हुए। T20 क्रिकेट में हैदर अली 1 बार मैन ऑफ द मैच बने, जबकि आसफ अली 2 बार मैन ऑफ द मैच बने। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।